एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छुमा दे। मैं फिर से लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। आज भी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों को थंबनेल और वीडियो देखकर तो समझ ही गए हैं मैं चिकन रेसिपी शेयर करूँगी मेरे स्टाइल में। तो मैं आज यूनिक स्टाइल पे चिकन रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। चिकन को मेरे माँ ने अच्छे से क्लीन करके दिए हैं तो अब मैं बना रही हूँ। मैं कढ़ाई पर जो बना रही हूँ वो मैं आलू गून लिया था कढ़ाई पर, तो अब मैं वही कढ़ाई पर मैंने दे दिया था सरसों ऑयल। देने के बाद प्याज डाली है, तेजपत्ता डाली है, तो गोल्डन कलर आने तक गूनूंगी। बाद में जो मैंने मसाला बना के रखी है, मसाला पर दिया है 2 टोमेटो, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सब देकर मैंने मसाला को पेस्ट कर लिया था। अब देख ही रही है मैं मसाला दे रही हूँ। देने के बाद नमक हल्दी ये सब भी डालूंगी। डालने के बाद मसाला को थोड़ा गूनूंगी, बाद में मैं चिकन डालूंगी। चिकन मेरा 80% तक बॉयल हो गया है। अब मैं फ्राई हुआ आलू डाल दूंगी। चिकन करी हो गया है तो इसीलिए मैं थोड़ा मीट मसाला डाल दिया है। अच्छा खुशबू भी आता है और खाने में भी टेस्ट लगता है। तो देखिए, मैं तो इस वीडियो को खाने के बाद ही एडिट कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा हुआ था चिकन, बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। आप लोग भी मेरे स्टाइल में बना सकते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग रोटी, पूरी, परांठा या चावल के साथ खा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में भी ज़रूर बताना आप लोग ट्राई किया है नहीं। तो जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।